हेलो व्यूवर्स, मैं कशिश हूँ। स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन लाइफ में। हेमा मालिनी ने अपने जीवन में बॉलीवुड को काफ़ी सारी एक के बाद एक हिट फिल्में दी हैं और पूरी फिल्म इंडस्ट्री को अपना दीवाना बनाया है। हेमा मालिनी को उनके चाहने वाले ड्रीम गर्ल के नाम से जानते हैं और उनकी काफ़ी इज्जत भी करते हैं। बॉलीवुड में एक ऐसा समय था जब हर कोई हेमा मालिनी को अपनी फिल्म में लेने के लिए तरसता था। ऐसा इसलिए क्योंकि मालिनी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी और साथ में हेमा मालिनी एक्टिंग में भी शानदार थी। वर्तमान समय की बात की जाए तो हेमा मालिनी जी मीडिया में काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में बनी हुई है, जिसकी वजह हेमा मालिनी की निजी जिंदगी है, जिसे लेकर अभी कुछ समय पहले एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, जो कि यह है कि हेमा मालिनी ने अपने पिता की मर्जी के खिलाफ जाकर बॉलीवुड के नामी अभिनेता धर्मेंद्र से शादी की थी, जिसके बाद हेमा मालिनी को अकेले बिना अपने पति के कई रातें गुजारी थी। आगे बताते चले आपको कि हेमा मालिनी एक ऐसा नाम है जो आने वाले कई सालों तक बॉलीवुड में कोई भी नहीं भूलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हेमा मालिनी जी बॉलीवुड की बहुत ही शानदार अभिनेत्री हैं और बहुत सारी हिट फिल्में भी दी हैं और लोग आज भी उनकी फिल्मों को उतना ही पसंद करते जितना पहले के टाइम में करते थे। तो आगे बताते कि धर्मेंद्र से शादी करने के बाद हेमा मालिनी को काफ़ी बातें सुनी या बोल सकते हैं, दुनिया की काफ़ी ताने सुने। इतना ही नहीं बल्कि धर्मेंद्र से शादी करने के बाद भी हेमा मालिनी ने रातें अकेले ही गुजारी, इसका खुलासा उन्होंने खुद किया। क्योंकि अभी कुछ समय पहले हेमा मालिनी को लेकर ये खुलासा हुआ, जो कि यह है कि हेमा मालिनी के पिता नहीं चाहते थे, इस वजह से वो अकेली रहती थी और उनके चार बच्चे भी थे यानी कि धर्मेंद्र के, जिसके चलते हेमा मालिनी के पिता का मानना था कि हमें हेमा शादी के बाद बिल्कुल भी खुश नहीं रहेगी। बल्कि फिर भी हेमा मालिनी ने अपने पिता की एक नहीं सुनी और धर्मेंद्र से शादी करके उनकी दूसरी पत्नी बन गई। शादी के बाद हेमा मालिनी को दुनिया ने काफ़ी ताने सुनाए थे, क्योंकि उनका कहना था कि हेमा मालिनी के धर्मेंद्र से शादी करने की वजह उनके परिवार की खुशियाँ छीन गई। यही बात अकेले रात गुजारने की, तो धर्मेंद्र कई बार अपनी पहली पत्नी के साथ भी चले जाते थे, जिसके चलते हेमा मालिनी की ऐसे अकेले रातें गुजरी थी। लेकिन आपको बता दें कि धर्मेंद्र से शादी करने के बाद हेमा मालिनी बेहद खुश थी और आज भी बहुत ही खुशहाल जीवन जीते हुए नजर आ रही है। अब आपका क्या कहना है इस कपल को लेकर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन लाइव।